नमस्कार। जब हम देश की बात करते हैं तो देश गांव में बसता है, और जब हम मेवात खित्ते की बात करते हैं तो मेवात के गांव की जब तस्वीर आती है तो आपको पिछड़े पछड़े गांव नजर आ जाते हैं। लेकिन सरपंचों के हाथों में बहुत कुछ होता है और रहा है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये सरपंच तय करते हैं कि आखिरकार गाँव का भविष्य क्या होगा। देव मेरा नाम है और भारत टीवी की टीम लगातार आपको मेवात की हर तकलीफ से रूबरू कराती रही है। बड़े बड़े नेता आते हैं, दावे करके चले जाते हैं, लेकिन गाँवों को संवारने का और सुधारने का जो जुम्मा होता है वो सरपंचों के कांधों पर होता है। तो अब सरपंची पद की जो दौड़ है वो लगातार तेज हो रही है, और मेवात डिस्ट्रिक्ट नुहू के दो गांव हैं, ढाडोला और ढाडोली, एक ग्राम पंचायत है। और आज एक खास कार्यक्रम था यहां पर, छुट्टी का एक वास है ढाडोला ढाडोली ग्राम पंचायत का। हारून ठेकेदार जो कि एक्स सरपंच भी रहे हैं, आज उनको यहां पर लोगों ने समर्थन दिया है। लेकिन मैं अपने तीखे सवालों के साथ सरपंच के साथ में होऊंगा, क्योंकि जब हम मेवात में आते हैं तो ना हमको स्कूल मिलते हैं, ना हमको पानी मिलता है, ना हमको सड़कें मिलती हैं, और ना ही हर बार में मेवात के लोगों के साथ जो ठगने की बातें होती हैं वो सिर्फ कागजों में दिखती हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा पीछे एक बार दिखा दे, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद हम सीधे सादगी की मिसाल हैं हारून ठेकेदार के पास पहुँचेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार ढाडोली और ढाडोला को जो उनकी उम्मीदें हैं उसके मुताबिक कुछ मिलने वाला है या नहीं। सरपंच जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका, किस तरीके से देखते हैं आप सरपंची के पद की दौड़ में हैं और आप प्रत्याशी के तौर पर आज आपको छुट्टी के वास के लोगों ने समर्थन दिया है। हम देखते हैं कि ना स्कूल हैं, ना शिक्षा है, ना पानी है, और मेवात के जो नौजवान हैं उनकी आंखों में दर्द भरा पानी है। अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या इनकी उम्मीदें पूरी होंगी? इंशाल्लाह सारी उम्मीदें पूरी करेंगे और की भी हैं। अभी भी हमने लगभग जो है 80-70 के समरसिबल लगाए हैं, और जो है काफ़ी RMC के रास्ते इंटरलॉकिंग है, और कब्रिस्तान बाउंड्री है, शमशान की भी चार दीवारी कराई है, और उसमें जो टीन सेड वगैरह भी है कंप्लीट है लगभग, और दोनों गांवों का हमने लगभग 80% विकास के कार्य कंप्लीट करा दिए हैं। और उम्मीद है अभी चुनाव में टाइम है, लगभग अभी काम जारी है हमारे जी जी, और इंशाल्लाह अभी काम कराएंगे, और आगे भी इंशाल्लाह कोई टाइम मिलेगा तो विकास में कोई कमी नहीं। अगर सीधे मायने में मैं आपसे पूछूँ, मेरा आप तक आने का सिर्फ मकसद इतना है कि बड़े बड़े नेताओं की जो बातें होती हैं वो केवल बातें होती हैं, गाँव का देश का सबसे बड़ा नेता सरपंच होता है, क्योंकि आप बड़े नेताओं से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, ये आम जनता सीधे आपसे मिल सकती है। जब हम देखते हैं कि मेवात के नौजवान की आंखों में पानी है, उसके नाम पर सिर्फ खिलवाड़ होता है, उसको काम नहीं मिलता, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं, हमने जो कराए हैं कराएंगे भी, और सबका मान सम्मान एक साथ गाँव जो दोनों गाँवों को लेकर चलेंगे, और जो छोटी मोटी जो कोई आपसे मनमुटाव उनको यहीं समाधान कराएंगे, और बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। छुट्टी के बाद के लोगों ने आज आपको समर्थन दिया है, कौन लोग हैं और क्या मांगे हैं उनकी? ये मांगे हैं उनके जो है, हमने एक रास्ता अभी RMC का भी 2-3 दिन पहले कंप्लीट कराया है जी, और जो पानी वगैरह की लाइट की कोई कमी है इंशाल्लाह उनको भी हम अभी जल्दी ही पूरा कराएंगे, और उम्मीद है कोई विकास में कोई काम नहीं कमी नहीं आने देंगे। जाते जाते एक तीखा सवाल मैं आपसे और करके जाऊंगा, कुर्सियां मिल जाती हैं, लोग इस मेवात की भोली भाली जनता को सरपंच जी भुला देते हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या फिर छोटे नेता हो, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, और जो है हमने तो काम करके दिखाए हैं, काम करेंगे भी, और ऐसी कोई बात नहीं है, और लगभग गांव में सारे ही जो है जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ढाडोली और ढाडोला की किस्मत बदलेगी, ऐसा मान सकते हैं? इंशाल्लाह बदलेगी, और जो विकास के काम में इंशाल्लाह टॉप आएगा। चलिए, ये तस्वीर है, इस वक्त हम लोग ढाडोला ढाडोली के ग्राम पंचायत पर प्रत्याशी हारून ठेकेदार के पास मौजूद थे। छुट्टी का एक बास है, इनका एक इलाका है, वहाँ के लोगों ने इनको समर्थन दिया है। लेकिन तीखे सवाल थे, सरपंची के पद की दौड़ इस वक्त जारी है, इन सरपंचों की अपने तैयारी है, लेकिन मेवात में अभी कहीं ना कहीं विकास की जो दूरियां हैं वो बनी हुई हैं। खैर, वक्त का इंतजार है, ये पद पर आएंगे, कुर्सी इनको मिलेगी, और वाकई जो मेवात की जनता और ढाडोली की जनता और ढाडोलों की जनता जो इनसे चाहती है वो इनको मिलेगा। खैर, ये सब वक्त की बातें हैं, फिलहाल की जो इस वक्त की जानकारी है, छुट्टी के बाद के लोगों ने हारून ठेकेदार को अपना समर्थन दिया है। वक्त के इंतजार में होगा, क्या ये सरपंच आने वाले वक्त में मेवात की तस्वीर बदल पाएंगे या फिर नहीं, तब तक के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा।